सोनी की स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडर वर्स की ट्रेलर सबको कंफ्यूज करके रखा है। साला एमसीयू की अर्थ 616 से या 19999। तो इस चीज को समझेंगे असल में एमसीयू की अर्थ का नंबर क्या है एंड मिगुएल ओहारा एमसीयू की अर्थ को 1999 कहा क्यों। पीटर बी पार्कर अर्थ 616 की पीटर पार्कर है क्या? ये सब कुछ जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखना। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी इंट्रो के। स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडर वर्स की न्यू ट्रेलर में एमसीयू की अर्थ को 19999 कहा, बट डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में क्रिस्टिन पाल्मर कहा था एमसीयू की अर्थ 616 है। अर्थ 616 मार्वल कॉमिक के अंदर ऑलवेज प्राइम अर्थ रहा है एंड जो उसे अलग करती है वो बाकी के अर्थ के नंबर। एग्जांपल के तौर में अल्टीमेट कॉमिक की मार्वल 1602 एंड अर्थ 311 एक ही यूनिवर्स और अर्थ 1610 एक अलग ही यूनिवर्स। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है जिसके बारे में आप सबको पता ही है एंड अर्थ की नंबर ही एक ऐसा चीज है जो हर एक फैंस के लिए इजी हो जाती है आइडेंटिफाई करना कौन सी कैरेक्टर कौन सी यूनिवर्स का है। मार्वल कॉमिक ने एमसीयू की अर्थ को 1999 के रूप में एस्टेब्लिश किया था बहुत साल पहले, जो कॉमिक से अलग करती है एंड दो डिफरेंट स्टोरी डिफरेंट वेरिएंट कैरेक्टर की दिखाया। एग्जांपल के तौर में मिस मार्वल को ले सकते हो। स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम में मिस्टीरियो कहा था एमसीयू की अर्थ 616 है। हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए वो इस चीज को कहा था खुद के ओरिजिन को सेटअप करने के लिए। फैंस इसे कंसीडर किया था कि ये तो एक रेफरेंस है क्योंकि असल में तो मार्वल कॉमिक्स की अर्थ 616 की एक अलग ही यूनिवर्स है। इंटरेस्टिंगली इससे पहले 2018 की सोनी पिक्चर की स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडर वर्स ने पीटर बी पार्कर के ओरिजिन को यूनिवर्स अर्थ 616 कहा था। हाउएवर कुछ फैंस एमसीयू की अर्थ को 616 नाम से पहचानता है मगर इनमें उन सबकी कुछ गलती नहीं। एमसीयू तो पहले ही स्टैब्लिश्ड किया था 19999, फिर बाद में मिस्टीरियो एंड क्रिस्टिनी कहा था एमसीयू की अर्थ 616 से। ऑल्दो कुछ लोगों का कहना है एमसीयू की अर्थ 616 से, बट ये भूलना नहीं चाहिए एमसीयू ऑफिशियली स्टैब्लिश किया था अर्थ 199 नाम से। आपको यकीन नहीं होता तो गूगल में जाके अर्थ 199 मार के सर्च कर सकते हो। मैं तो पहले ही कहा हूँ ऑडियंस एंड रीडर्स के लिए आसानी हो जाती है किसी भी कैरेक्टर की यूनिवर्स को आइडेंटिफाई करना एंड वो कौन सी यूनिवर्स से बिलोंग करती है वो भी। स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडर वर्स की ट्रेलर मिगुएल ओहारा एक स्पाइडरमैन 2099 सिर्फ स्पाइडरमैन नो वे होम की रेफरेंस दिया है ऐसा नहीं। ट्रेलर ने कंफर्म किया कि एमसीयू की अर्थ 1999 है, उसकी ऑफिशियल अर्थ जो लॉन्ग टाइम से है। मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में क्रिस्टिन कहा था एमसीयू की अर्थ 616 है। ये याद रखना वो सिर्फ उसकी खोज थी और कोई यूनिवर्स में और कोई इस अर्थ का और ही कुछ नाम दे सकती है। एमसीयू को फर्स्ट ऑफ ऑल 616 कह नहीं सकते हो क्योंकि मार्वल कॉमिक में अर्थ 616 में मिस्टीरियो असली मैजिक मैन था, ना कि वो कोई इल्यूशन मास्टर लाइक एमसीयू की अर्थ के मिस्टीरियो। मार्वल कॉमिक की अर्थ 616 में ऑस्बोर्न है मगर स्पाइडरमैन नो वे होम में हमें पता चला कि एमसीयू की यूनिवर्स में ऑस्बोर्न की कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है। सो ऐसा बहुत सारे एग्जांपल है जिससे कि आप सब कह सकते हो एमसीयू की अर्थ 616 नहीं है। जैसे कि मैंने कहा था एमसीयू असली में तो 616 नहीं है, जिसका प्रूफ अक्रॉस द स्पाइडर वर्स के ट्रेलर में हम सब देखते हैं। बट ये नहीं भूलना चाहिए पीटर बी पार्कर की ओरिजिन अर्थ 616 की है, जिसका टीज स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडर वर्स में हमें मिला था। फर्स्ट ऑफ ऑल इस फिल्म में कॉमिक्स का कोई विरोध नहीं किया, दिस मीन पीटर बी पार्कर कॉमिक वाला ही वर्सन है। बट कुछ साल की बात की कॉमिक्स के अंदर टाइम इनक्रेडिबली स्लोली चलती है मगर असल जिंदगी में तो ये सब कुछ बहुत ही जल्दी होता है। ये हो सकती है कि पीटर बी पार्कर अर्थ 616 की पीटर पार्कर ही हो, शायद कॉमिक्स के अंदर स्टोरी बाद में हो या कभी भी नहीं। इसका बिगेस्ट डेंजरस इफेक्ट है अदर यूनिवर्स में रहना, लाइक स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडर वर्स। बट कॉमिक्स के अंदर मल्टीवर्स में जितना चाहो उतने देर तक आप रुक सकते हो, कोई डेंजरस नहीं था। मूवी रिलीज होने के बाद ही ये सब कुछ हमको समझ आएगा। साथ ही तो बियॉन्ड द स्पाइडर वर्स में हम टॉबी एंड्रू एंड टॉम वाला स्पाइडरमैन को देखने वाले हैं, जिसके बाद सब कुछ क्लियर हो जाएगा। सो आज के लिए इतना ही था, आपको कैसी लगी कमेंट में बताना। हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक एंड दोस्तों से शेयर करना एकदम नहीं भूलना। हम ऐसे बहुत सारे थ्योरी पॉसिबिलिटी सुपर अपडेट को एक्सप्लेन करते हैं, ऐसे वीडियो के लिए चैनल को चेकआउट करना। चलिए फिर मुलाकात होगी दूसरे किसी वीडियो दूसरे किसी टॉपिक में।